हाथ काट दिया, दोनों हाथ काट दिया, पैर काट दिया, स्तन तक काट दिया, ताकि अगर तुम कुछ बोलोगे तो कल तुमको भी काट देंगे। पैर काटा, इसके बाद ये दोनों काटा, इसके बाद ये काटा दोनों साइड, इसके बाद जब मेरी मम्मी कालर उलर पकड़ी होगी तो मेरी मम्मी का दोनों हाथ इस जगह से अलग कर दिया था। लेकिन जब भी मम्मी के साथ जाते थे तो उसको देखते थे कि बार बार पलट पलट के देखता था, मेरी मम्मी नहीं देखती थी लेकिन वो बार बार पलट पलट के देखते थे। अपना हवस मिटाने के लिए तुम पर गलत निगाह रखेंगे, अगर तुम हमारा हवस मिटाओगी तो बढ़िया है और नहीं मिटाओगी तो काट देंगे। पूछते थे कि मम्मी तुमको कौन मारा, कौन मारा, तो मेरी मम्मी चिल्ला चिल्ला के बोल रही थी पापा को, मेरे भाई को, हमको, कि हमको शकील ने मार दिया, हाथ पकड़ पकड़ के बोल रही थी को हमको, हमको शकील ने मार दिया। जब मना कर दी तो इतना क्रूर था कि उसको काट दिया और स्तन तक को काट दिया। अभी मेरे साथ जिस लड़की को आप देख रहे हैं, इनका नाम नीतू कुमारी है और इन्होंने अपनी माँ को तड़पते तड़पते मरते हुए देखा है। अब जरा सोच सकते हैं इस उम्र में, जब इनकी शादी का टाइम है, इस उम्र में इन्होंने अपनी माँ को तड़पते तड़पते मरते हुए देखा है। मारने वाला और कोई नहीं, उन पे गलत नज़र रखने वाला एक सरफिरा रहता है, उसका नाम शकील रहता है, अहमद शकील। जरा गौर से सुनिएगा, वो हमेशा से इनकी माँ पे गलत नज़र रखता था। ये लोग जब भी घर से बाहर निकलती थी इन पे गलत नज़र रखता था, बार बार पलट के इनके माँ पे देखता था। एक दिन ऐसा समय आया जब इनकी माँ अकेले बाजार से घर आ रही होती है, शाम का समय होता है, वहाँ पे वो शकील जो है इनकी माँ को पीछे से वार करता है और यहाँ तक कि उनका जो अंग है हर जगह से काट देता है, यहाँ तक कि प्राइवेट पार्ट जो होता है उसको भी काट देता है। पूरी घटना जो है नीतू जो है सबके सामने रखेगी और कहेगी कि कैसे इनकी माँ को मारा गया था। पूरी घटना बताइए उस दिन का, कैसे क्या हुआ था। पूरी घटना, मेरी मम्मी मार्केट गई हुई थी, टाइम उस समय हो रहा था तीन बजे मेरी मम्मी मार्केट गई, उधर से लौटने टाइम में लेट हो गया था। मेरे भाई भी गए थे साथ में। अच्छा। मेरे भाई भी गए थे लेकिन उन्होंने सामान वगैरह मम्मी खरीद के दे दी। कुंदन मेरे भाई बोले कि मम्मी हम जाते हैं, मम्मी बोली तुम जाओ और हम और भी सामान लेके जाएंगे। और इसके बाद मेरी मम्मी आ रही थी रास्ते में, कुछ सामान भी मेरी मम्मी के हाथ में था, तो मेरी मम्मी आ रही थी, डेली ऑटो से आती थी लेकिन ऑटो नहीं मिलने के वजह से मेरी मम्मी सोची हम पैदल ही चले जाते हैं, यहाँ बैठ के क्या करेंगे। अच्छा। मेरी मम्मी पैदल ही आ रही थी, रास्ते में जब सुनसान जगह देखा, जब देखा कि कोई ऑटो बाइक कोई नहीं पार हो रहा है, तो उन्होंने पहले जाते हुए मेरी मम्मी को देखा होगा, इसीलिए मतलब शकील ने, हाँ पहले जाते हुए देखा होगा, इसीलिए उसने पीछे से वार किया। वो पीछे पीछे आता होगा और जैसे देखा सुनसान जगह है, इस जगह कोई नहीं है, वो पीछे से वार किया, आगे से पहले वार नहीं किया था, पहले पीछे से किया था, पहले पीछे से पहले पीठ पे किया था, इसके बाद सिर पे किया था। जब मेरी मम्मी पूरा बेहोश हो गई तो मम्मी खुद गिरी या उसको ठेल के गिराया गया, इतना तो हमको नहीं पता, लेकिन मेरी मम्मी खेत में गिर गई थी। खेत में जब गिर गई थी, जब मेरी मम्मी बेहोश हो गई थी, तब आराम से उसको पहले पैर काटा, इसके बाद ये दोनों काटा, इसके बाद ये काटा दोनों साइड, इसके बाद जब मेरी मम्मी कालर उलर पकड़ी होगी तो मेरी मम्मी का दोनों हाथ इस जगह से अलग कर दिया था। मारने वाला का नाम शकील है, जरा गौर से सुनिएगा। शारदा आफ्ताब का जो मर्डर केस अभी शांत ही नहीं हुआ था कि भागलपुर से एक सनसनीखेज मामला आया है, जहां पे एक शकील ने नीलम की हत्या कर देता है, वो भी हर जगह से काट देता है। ये जो बेटी है रो रो के इनका बुरा हाल है, कहीं ना कहीं ये अपनी माँ को तड़पते हुए देखी थी। आप जब अपनी माँ को देखी थी तो किस हालत में आपकी माँ थी? मेरी मम्मी बिल्कुल मतलब बोलने के हालत में नहीं थी, लेकिन पता नहीं कहाँ से मेरी मम्मी उतना आवाज़ लाई थी, क्योंकि उतना कटने के बाद कोई इंसान जीवित रह नहीं सकता है। हाँ। क्योंकि इतना ब्लड गया था, उसके शरीर में ब्लड नहीं था, तब पर भी इतना ब्लड गया था, तब पर भी चिल्ला चिल्ला के पूरा बोल रही थी। चिल्ला चिल्ला के क्या बोल रही थी? कि हमको शकील ने मार दिया। हम पूछते थे कि मम्मी तुमको कौन मारा, कौन मारा, तो मेरी मम्मी चिल्ला चिल्ला के बोल रही थी पापा को, मेरे भाई को, हमको, कि हमको शकील ने मार दिया, हाथ पकड़ पकड़ के बोल रही थी को हमको शकील ने मार दिया। और इशारा से चादर चप्पल और भी सामान मेरी मम्मी इशारा से बताई छू छू के, और इसके बाद मम्मी इशारा दे रही थी कि हमको घर ले चलो, हम कहीं नहीं जाएंगे, हमको घर ले चलो। लेकिन उसे यहाँ से तुरंत पहले डॉक्टर के यहाँ नहीं, पहले उसको पुलिस स्टेशन ले गया, पीरपैती पुलिस स्टेशन ले गया। वहाँ थाना प्रभारी बोले इसको जल्दी डॉक्टर के पास लेके जाओ, तो वहाँ से शेरमारी
हॉस्पिटल डॉक्टर के पास लेके गए, वहाँ उतारा और मम्मी को थोड़ा पट्टी किया, पट्टी की हालत में ही नहीं थी लेकिन थोड़ा सा ताकि बोल सके, थोड़ा पट्टी किया और हाथ तो बंडेज के लायक भी नहीं था तो थोड़ा सीधा करने के लिए उसने बंडेज किया। वहाँ से रेफर भागलपुर मायागंज किए, डॉक्टर बोले कि इसे जल्दी भागलपुर लेके जाओ, तो वहाँ से भागलपुर लेके गए। भागलपुर लेके गए, रास्ते में ही जा रहे थे तो मेरी मम्मी पूरा चिल्ला के और रो रो के बोल रही थी, रोने के भी हालत में नहीं थी लेकिन तड़प से वो बोल रही थी कि हमको शकील ने काट दिया, हमको शकील ने काट दिया, एकदम चिल्लाते चिल्लाते बोल रही थी, हाथ पकड़ पकड़ के बोल रही थी और तीन से चार बार बोली कि हमको थोड़ा सा पानी दे दो, और बार बार बोल रही थी कि मेरा पेट दर्द करता है, मेरा हाथ दर्द करता है, हमको चादर ओढ़ा दो, हमको ठंडा लगता है। और तीन बार पहले पानी मांगी, इसके बाद लास्ट बार जब एक चारी पहुँचे तो एक बार मम्मी बोली कि अब लास्ट बार हमको पानी पिला दो ना, एक बार पानी जैसे ही पिलाए तो मेरी मम्मी बोली कि हमको थोड़ा सा नींद आ रहा है, हम सोएंगे, लेकिन मेरी मम्मी सोई नहीं। वहाँ से जब गाड़ी खुली तो एक चारी से आगे जब घोघा और एक चारी के बीच आए तो मेरी मम्मी का दम टूट गया, दम टूट गया और वो इस दुनिया को छोड़ के चली गई। अब इस दुनिया को छोड़ के इसलिए गई क्योंकि उनका गलती बस यही था कि वो बाज़ार में किराना का दुकान चलाती थी और उस पे गलत नज़र रखने वाला एक शकील नाम का युवक होता है जो हमेशा टॉर्चर करता है। आप मम्मी के साथ निकलती थी? जी सर। तो वो जो लड़का है वो कैसा बिहेव करता था आप लोगों के सामने? हम तो ज़्यादा उसको नहीं देखे लेकिन जब भी मम्मी के साथ जाते थे तो उसको देखते थे कि बार बार पलट पलट के देखता था, मेरी मम्मी नहीं देखती थी लेकिन वो बार बार पलट पलट के देखते थे। हम भी ट्यूशन जाते थे तो देखते थे कि वो बार बार पलट पलट के देखता है और हम उतना ध्यान नहीं देते थे, हम जाते थे और आते थे क्योंकि पढ़ने जाने के लिए सुविधा गाँव में नहीं है। हम लोग कहीं भी जाते हैं तो पिरपैती हो के भी जाते हैं, कॉलेज या और कहीं तो पिरपैती हो के ही जाते हैं, तो वो देखते थे कि बार बार देखता था लेकिन हम लोग उतना ये सब पहले जानते तो ना, नहीं जाने के वजह से हम लोग उतना ध्यान नहीं देते थे। अब जरा गौर से सुनिएगा, ये जो गांव है ये जंगल में गांव है और जंगल में आने से पहले उस शकील के घर से होकर आना पड़ता है यहाँ पे इस गांव में। अब इस गांव में आने से जो गांव के लोग हैं कहीं ना कहीं डरे हुए हैं, ये भी डरी हुई है कहीं ना कहीं, कुछ वो लोग अगर खुदा नखास्ता अगर उधर से आते हैं तो कुछ गलत ना कर दे, ऐसा डर है क्या अंदर में? जी सर, क्योंकि जिस तरह मेरी मम्मी के साथ हुआ, हमको डर है कि मेरे गाँव वाले के साथ या मेरे साथ, मेरे भाई के साथ, मेरे पापा के साथ इस तरह नहीं हो, इसीलिए हम लोग उतना बात को नहीं बढ़ा रहे हैं क्योंकि हम लोग के अंदर डर छुपा हुआ है। डर है और गरीब है, सबसे बड़ी बात है कि गरीब है और इनको इंसाफ दिलवाने के लिए शायद ही बहुत कम लोग आएंगे ताकि इनको इंसाफ मिल पाए। यहाँ पे समाज के भी लोग आए हुए हैं, क्या कहना चाहते हैं आप इनके घर पे इंसाफ दिलवाने आए हैं? जी बिल्कुल, क्या लगता है आप इंसाफ मिल जाएगा इनके, जैसे जिस तरीके से इनकी माँ को मारा गया है, यहाँ तक कि ऊपर का दोनों प्राइवेट पार्ट काट दिया गया है, इतना जो घोर निंदा की जाए, जितना भी निंदा की जाए उतना कम है इस घटना का, क्या लगता है आप लोग इंसाफ दिलवा पाइएगा? सिर्फ निंदा करने से इंसाफ थोड़ी मिलेगा, अभी जैसा जैसा हिम्मत बहन ने दिखाया, अगर ऐसे 10 लोग और दिखा दे तो अभी इस महीने इंसाफ मिल जाए, लेकिन ऐसा डर का माहौल है, इतना मन बढ़ा के यहीं के लोग रखे हैं, कोई बाहर का आदमी उसका मन नहीं बढ़ाया है, यहीं के लोग उसका मन बढ़ा के इस कदर रखे हैं कि यहाँ दो आदमी खड़ा होकर बोलने वाला नहीं है जो कि जान रहा है क्या हुआ है कैसे हुआ है, हर चीज़ उसको पता है लेकिन दो शब्द बोलेगा नहीं क्योंकि उसको डर है कि कल के दिन हम, मेरे घर का कोई भी, मेरी बहन, मेरी बेटी उसी रास्ते से होके जाएगी, इस तरह का खौफ सबके अंदर बैठा दिया गया है। क्या वजह है कि लगातार जो है लड़कियां जो है इस चुंगुल में फंस जाती है और एक खासकर जो विशेष धर्म का लोग हैं इनको टारगेट कर रहे हैं, क्या वजह हो सकती है, मेन मुख्य कारण क्या है? देखिए ये मैटर तो खैर अलग मैटर है, लड़की इसमें हमारी फंसी नहीं है, ये माता जो 40 साल इनका उम्र था इसको छेड़छाड़ के लिए करता था, लेकिन इनका करता था, परेशान भी करता था, बेटी का कहना है कि बार बार जब घर से निकलता था मुड़ मुड़ के देखता था, निरंतर परेशान करता था और अपना वो हवस का शिकार बनाना चाहता था जो कि नहीं कर पाए तो अंततः मार दिया, पीछे से पहले वार किया, ठीक है। लेकिन जो आपने प्रश्न किया कि कब तक हमारी बेटियां, क्या है ना कि सबको लगता है कि हमरा अब्दुल जो है एक जैसा है, हमरा अब्दुल वैसा नहीं है। अरे भाई तुम देखो तो हमारे यहाँ 36 गुण मिलते हैं और अब्दुल जो है 35 टुकड़ा करता है, समझने वाली बात है, हमारे यहाँ 36 गुण मिलते हैं वो 35 टुकड़ा करता है, जब तक तुम अपने 36 गुण में नहीं जाओगी तो तब तक तुम्हारा वो 35 टुकड़ा करता रहेगा, कभी सूटकेस में पैक करेगा तो कभी रेफ्रिजरेटर में तुमको डालेगा। अब तय तुमको करना है कि अपने सनातन संस्कृति को बचा करके और अपने उस परिवार में रहना है जहाँ तुम्हारी इज्जत होगी,
तुम्हारे पति से तुम्हारा शादी होगा, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे पति से तुम्हारा शादी होगा। जहां तुम उधर जाती हो तो अबू से भी शादी होगा, भाईजान से भी शादी होगा और कई जान से तुम्हारी शादी होगी, और तुम उसको मना नहीं कर पाओगी। मना करोगी तो 35 टुकड़ा अब्दुल करता है, ये 100% सही बात है। तुम सर्वे उठा करके देख लो, हमारे यहाँ राहुल जो है वो नहीं करता है। अगला भी 35 टुकड़ा करने आता है तो अपने नाम विक्रम, विक्की, रवि और कुमार लेकर के आता है। इसलिए समझना आपको है बहन, आप समझ जाओगी, हम लोग बोलेंगे चिल्लाएंगे जितना होगा चिल्लाएंगे समझाएंगे, लेकिन समझना आपको है। आप पढ़ी लिखी है, कहते हैं कि एक नारी जो होती, नारी सर्वशक्तिमान है, नारी ही किसी भी घर का उत्थान कर सकती है, उसी से किसी पुरुष का जो वो प्रगति के रास्ते में जाता है तो उसके पीछे नारी का हाथ होता है। इसलिए आपको तय करना है कि आपको अपने समाज को आगे ले जाना है या पीछे ले जाना है। आपके चैनल के माध्यम से मेरा यही एक रिक्वेस्ट है अपने सभी सनातन बहन से कि आप जाग जाओ, आप 35 टुकड़ा को देख लो, आप अब्दुल को देख लो, आप शाहरुख को देख लो और आप अफजल को देख लो। वो अफजल तो बोला, अफजल बोला 35 टुकड़ा करने के बाद, बयान दिया, अगर हमको फांसी हो भी जाएगा ना तो हमको ऊपर में 72 हूर मिलेगी। पेपर कटिंग है, ऐसे नहीं बोला, कहेगा मैं स्क्रीनशॉट दे दूंगा, पेपर कटिंग है, बोला, बयान दिया है कि अगर मुझे फांसी की सजा मिल जाएगी तो ऊपर मेरे को 72 हूर मिलेगी। अफताब ने बोला, अफताब ने बोला, तो समझ जाइए वो कितना अश्लील है। ठीक है, उनको कोई भी काम करता है तो बोलता है 72 हूर, मतलब हमेशा उसको दिमाग में लड़की चलती है, वो नारी की इज्जत नहीं करता है, वो हवस का पुजारी है। बहन संभल जाओ। ये कहानी है नीलम देवी की, जिनकी जो बेटी है, जवान बेटी है, उन्होंने उनकी जो हत्या की कहानी है पूरा बताया कि कैसे वो शकील जो है मुर्गा काटने वाला जो फरसा होता है उसे पूरे शरीर का जो होता है अंग अंग काट दिया था और हिन छिन करके फेंक दिया था। बहरहाल इस घटना को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट उसे जरूर लिखिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।